में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? जो भारत है, जो हमारा देश भारत है, उसमें सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो वो है साहब मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन पाए जाते हैं साहब। मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इन सभी जो गैसें हैं इनसे वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है? वो होता है साहब वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो वो की जाती है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को अगर हमें मापना है तो वो हम किस यंत्र से मापेंगे? वो मापेंगे साहब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण से। इसका जो है जल का प्रदूषण कितना हो गया है उसके बारे में हम इसका मापन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? तो वो साहब वायु प्रदूषक है। इसे क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय जो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? तो वो साहब नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है साहब। चूंकि पर्यावरण से बात कर रहे हैं तो पर्यावरण मतलब होता है प्रकृति से लगाया जाता है, जहाँ वन पाए जाते हैं तो और पौधे पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पर क्या रहता है साहब? नांग रहता है, नांग देवता रहते हैं। तो नांग पर्यावरण जो अनुसंधान केंद्र होगा तो वो कहाँ होगा? नांग, नांग से बना नागपुर। नागपुर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? वो होगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किन किरणों से करती है? जो वायुमंडल है जिसमें जो ओजोन परत होती है वो हमारी रक्षा किन किन किरणों से करती है? तो वो करती है परावैगनी किरणों से। जो सूर्य से परावैगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनको रोकती है कौन सी परत? वो रोकती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उनसे हम बच जाते हैं। कैंसर जैसी जो बीमारियां आज चल रही हैं वो परावैगनी किरणों के कारण भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है साहब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है, जिसका जो परसेंट है वो है 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है साहब प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बार बार जो है पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हम सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम पर्यावरण में देखें तो 5 शब्द हैं साहब, और पर्यावरण दिवस जब हम मनाएंगे तो 5 जून को ही मनाएंगे। कब मनाएंगे? 5 जून को ही मनाएंगे साहब, क्योंकि जो पर्यावरण में 5 जो है अक्षर आते हैं, तो 5 जून को हम क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर आती तो हैं लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वो वापस नहीं जाती हैं। तो जो पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है तो वो यूकेलिप्टस को, जो वृक्ष होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है साहब। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में देखें तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। अर्थात जो किरणें यहाँ पर रहती हैं जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है साहब। काय के कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ना कि घटता है। तो ग्रीन हाउस का क्या होता है? बढ़ जाता है साहब। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो वो साहब 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तभी हमारा एक पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है। जो ग्रीन पीस है वो एक पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या है सब। जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के चमोली ग्राम में, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था सब वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा, लोग वनों की सुरक्षा के लिए वृक्षों से चिपक गए ताकि वनों की कटाई ना हो सके। और उस समय जो आंदोलन चला वो चिपको आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई 1980 में। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई साहब। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र संघ संचालित करती है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नैरोबी केन्या में। जो नैरोबी शहर है वो है केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? वो है नैरोबी में। साहब अगर पर्यावरण असंतुलित हो जाता है तो साहब हमें क्या सबको रोना पड़ेगा? असंतुलित अगर पर्यावरण हो जाएगा तो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्यावरण है वही हमें हमारे हमारी पृथ्वी को, हमारे जो पर्यावरण है सभी को पर्यावरण संतुलित करके रखे हुए हैं। पर्यावरण को संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम UNEP कहते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ इस कार्यक्रम का संचालित करती है तो यहाँ कहा गया है कि नैरोबी, नै मतलब होता है नहीं और रोबी मतलब होता है रोना। तो नहीं रोना अर्थात रोना नहीं पड़ेगा हमें भविष्य में, क्योंकि जो है हम सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? पर्यावरण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है साहब। ओजोन गैस उत्पादित होती है फोटोकॉपी मशीन में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? जो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वो लिया गया है साहब पांडा को। पांडा एक प्रकार का पशु है जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो साहब टाइगर राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? टाइगर राज्य। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था साहब? के एम मुंशी साहब ने क्या किया था? वन महोत्सव प्रारंभ किया था। और आपने भी सुना होगा कि वन में वन की जो रक्षा करते हैं जो सिपाही होते हैं उनको भी हम मुंशी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंशी जी कहते हैं। तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वो किया था KM मुंशी ने, क्योंकि जो है वन की सुरक्षा करने वालों को हम मुंशी कहते हैं। तो KM मुंशी साहब ने क्या किया था? वन महोत्सव का प्रारंभ किया था। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है तो वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थापित किया गया था साहब। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा? सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला जो फल वृक्ष है वो है साहब खजूर। खजूर का वृक्ष आपने देखा हो तो बहुत लंबा लंबा है और सबसे प्राचीन काल से खजूर का वृक्ष उगाया जाता है। सफोकेशन क्या है? सफोकेशन जो है वो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है और उसका जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? सफोकेशन कहते हैं साहब। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जो जलवायु परिवर्तन है उसमें किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो वो होती है ग्रीन हाउस गैसों की। ग्रीन हाउस गैसों की जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका होती है साहब। ग्रीन हाउस जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंबल के समान पृथ्वी से की सतह से परावर्तित होने वाली अवरक्त प्रकाश को क्या कर लेती है? अग्रहित कर लेती है, जिसके कारण जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है। और इसी वायुमंडल के गर्म होने को क्या कहते हैं हम? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव इसको कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की जो है मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो है CFC, जिसे हम क्लोरो कार्बन कहते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है तो वो है CFC।
जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के नाम से भी जानी जाती है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है क्लोरीन क्लोरीन एवं कार्बन सी एफ सी का संयुक्त रूप है साहब। क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्लोरीन, और यहाँ शायद कोई मिस्टेक हो गया हो, तो सी एफ सी जो गैसें हैं वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसों का संयुक्त रूप है माना जाता है साहब। तो भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? जो भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो होता है साहब स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटों, हेयर स्प्रे, सेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में सीएफसी का प्रयोग होता है। इन सभी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इनसे सीएफसी गैसें निकलती हैं जो ओजोन परत में क्या करती हैं साहब, छिद्र करती हैं, जिससे जो है परावैगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं, जिससे भयंकर जो बीमारियां होती हैं उनका जो है फैलने का बहुत ही खतरा रहता है। तो सीएफसी जो गैसें हैं वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहलाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा साहब? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम होगा कि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रत्यक्ष प्रभाव अगर पड़ने लगा तो जो ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, और जो है बाढ़ जैसी बहुत महामारियों का जो हमें सामना करना पड़ेगा। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वृक्षों का आदमी कहा जाता है सब सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक प्रसिद्ध हस्ती है, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने वन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया था। तो भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। और वृक्षों से क्या है साहब? वृक्षों से ही इस देश की सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है। तो वृक्षों का आदमी किसे कहा जाएगा साहब? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से तात्पर्य है जीवों की विविधता। जीवों की विविधता है कि एक स्थान पर जीवों की विविधता ही जैव विविधता के अंतर्गत आती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो है लखनऊ में साहब। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साहब? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है साहब। भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओजोन कवच, ओजोन परत को। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि जो है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको रोकने वाली जो परत है वो है ओजोन परत, जिससे कि वायुमंडल तक वो हानिकारक जो परावैगनी किरणें होती हैं वो वायुमंडल पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे? जो रेड डाटा बुक का संबंध है वो है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। जो रेड डाटा बुक है वो उसका जो है जो वन्य जीव जो प्राणी हैं जिनकी जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं और जो संकट के दौर से गुजर रही हैं उससे संबंधित है रेड डाटा बुक का संबंध उनसे है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित नगर है वो है मैक्सिको सिटी। जो मैक्सिको सिटी है वो जो है विश्व का सबसे प्रदूषित नगर माना जाता है साहब। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? तो वो है विस्कॉसिन। विस्कॉसिन में जो है स्थित है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है साहब? सीएनजी का पूर्ण जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को नापने के लिए। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा होती है उससे क्या है दीवारें जो है पीली पीली पड़ जाती हैं और जिससे कि क्षरण होने लगता है। तो ताजमहल के पीले पड़ने और उससे क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा।
देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जो देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है तो वो है बेंगलोर में, बेंगलोर में, बेंगलोर में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया। साहब इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी जो वानिकी अकादमी वो है देहरादून, देहरादून में जो है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थापित की गई। तो विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। साहब भारतीय जो वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो है देहरादून में स्थापित किया गया है। और भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो वो है भोपाल में, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। तो दोस्तों हमने कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ अगर अगर सन पूछा जाएगा तो अधिकांश तथ्य ऐसे होंगे जिसमें दो लास्ट में आएगा या पांच या छह ऐसे आएंगे, तो आपको ये याद रखना है। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? बोले 1972 में बना, लास्ट में दो आया। वो वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो बोले 1980 में ये वन संरक्षण अधिनियम बना है। नेक्स्ट देखें, बोले पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो बोले 1986 में बना। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 में, फिर लास्ट में छह आया। नेक्स्ट होगा जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो बोले 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 51A में, ए पर्यावरण संरक्षण हमारा परम कर्तव्य होता है, तो 51A में और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? बोले भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट होगा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा देहरादून में। तो वन की जब बात होती है तो वन हमें क्या देते हैं? बोले हरियाली देते हैं, तो दे हरा जो वो हो देहरादून। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? बोले देहरादून में, क्योंकि देहरा दे हरा जो हमें वो है देहरादून। नेक्स्ट है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बोले जोरहाट में। बोले वर्षा कैसे हो रही? बोले जोर से हो रही वर्षा, तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ होगी? बोले जोरहाट में होगी, ऐसे याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर में। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन केंद्र होगा कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो बोले रांची में है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण किया गया, तो बोले 1994 में, 1894 सॉरी 1894 में भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण किया गया। उसके बाद जो है और भी वन नीति का निर्माण किया गया, लेकिन जो प्रथम की बात आती है तो 1894 में की गई। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो बोले 2006 में, इसका उत्तर हो जाएगा 6 लास्ट में आएगा। बोले गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई 2006 में। नेक्स्ट है गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो बोले 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना जो शुरू हुई वो 1987 में हुई। नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1975 में, फिर लास्ट में फाइव आया। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में जो है शुरू हुई। नेक्स्ट बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो बोले 1973 में, बाघ टाइगर प्रोजेक्ट जिसे कि बोलते हैं, बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? बोले 1973 में। नेक्स्ट किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस के जो वृक्ष होते हैं उन्हें पर्यावरणीय संकट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट सेलवास किस प्रकार के वन है? तो बोले विषुवतीय वर्षा वन है सेलवास। सेलवास कौन से हैं? विषुवतीय वर्षा वन कहलाते हैं। नेक्स्ट केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बोले जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय मरुक्षेत्र, मरुक्षेत्र जोधपुर में है, क्योंकि मरुक्षेत्र ज्यादा क्या है राजस्थान में, क्योंकि रेगिस्तान यहाँ पर ज्यादा है, वर्षा कम होती है, तो मरुक्षेत्र जो केंद्र होगा वो कहां पर होगा? जोधपुर राजस्थान में होगा। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। बोले 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है वियना समझौता कब हुआ? तो बोले 1985 में, फिर लास्ट में फाइव आया। वियना समझौता हुआ 1985 में, ये भी ओजोन परत से संबंधित हुआ था वियना समझौता। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो उत्तर होगा क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से, तो लास्ट में फिर पांच आया। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष की गई? तो बोले 2005 से की गई। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन
कब आयोजित किया गया? बोले 1992 में की गई, लास्ट में दो आया। बोले पृथ्वी की जब बात आएगी तो पृथ्वी तो एक ही है, बोले दो नहीं है, तो 1992 में ये होगी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, लास्ट में दो आया। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? जो हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो किस सम्मेलन में होगा? बोले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है घोषित किया गया। तो लास्ट में फिर दो आएगा इसमें, तो 1972 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट होगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बोले कैलाश सांखला। कैलाश सांखला साहब को टाइगर मैन ऑफ क्या कहा जाएगा? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाएगा कैलाश सांखला को। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बोले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब को जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, क्योंकि हरित हरियाली तो कौन बोले स्वामी भगवान के द्वारा प्रकृति को बोले हरियाली बोली जाती है, हरियाली लाई जाती है, तो हरियाली की बात आएगी तो बोले स्वामी जी हरित क्रांति के जनक होंगे, तो स्वामीनाथन साहब होंगे। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? बोले डॉक्टर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के जो है जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बोले रविंद्र कुमार सिन्हा साहब को जो है क्या कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे? तो बोले सुंदरलाल बहुगुणा। बोले चिपको, तो बोले सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। बोले विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस तो बोले 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ओजोन परत के बारे में आप जानते होंगे, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो बोले 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, याद करना है दोस्तों, इनको रटना है क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। सन पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बोले 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बोले 1992 में हुआ था, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बोले 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से फिर लास्ट में दो आया और दो दो आया, तो अप्रैल को मनाया जाएगा, बोले इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बोले 7 अप्रैल को, बार बार परीक्षा में पूछा गया स्वास्थ्य दिवस के बारे में, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बोले 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोले 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बोले 22 मई को। फिर दो लास्ट में आया, बोले विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बोले 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों हमने आपको बताया कि दो लास्ट में आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, तो दो दो आप देख रहे हैं कितने तथ्य दो लास्ट में आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, बहुत से ऐसे अधिकांश तथ्य होंगे जिसमें ये ट्रिक शामिल होगी। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बोले 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता। नेक्स्ट है, तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 मई। 31 मई को विश्व जो है तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बोले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बोले 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बोले 1 और 1 को मिला, बोले 2 हो जाएगा, इसलिए 2 मतलब जो है इसका जो है हमारी ट्रिक यहाँ पर शामिल हो जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? बोले 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, अभी हम देख रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अब देखेंगे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बोले 26 सितंबर को, फिर लास्ट में 6 आएगा, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बोले यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्त कि पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बोले 5 जून को, बोले विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो बोले 26 नवंबर को। कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो बोले विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया, बोले 5 जून लगाकर आ गए, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, बोले 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। फिर 2 आएगा, तो प्रदूषण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बोले भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, बोले 1986 को। भारत सरकार ने जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया, बोले 1986 को ये लागू किया गया। बोले 6 फिर लास्ट में आएगा, पर्यावरण संरक्षण दिवस अधिनियम लागू किया। बोले एक्सरे किरणों की खोज किसने की, बोले विलहेम रोंटजेन साहब ने एक्स किरणों की जो है खोज की थी, इसका उत्तर हो जाएगा विलहेम रोंटजेन। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है, बोले केरल में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है, तो केरल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय विकिरण
अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, नाभिक के जो विकिरण होते हैं उसे अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, तो वो पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, बोले विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में जो सौर विकिरण होती है पृथ्वी पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बोले पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, बोले माइक्रोवेव। उत्तर हो जाएगा उपग्रह संचार में जो है माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग होता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा रेडियो तरंगों का, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है टीवी प्रसारण में। नेक्स्ट हो जाएगा, कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग है अवरक्त विकिरण, कोहरे के आर पार देखने में जो सहायक तरंग है उसका जो उत्तर हो जाएगा वो अवरक्त विकिरण इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसकी भेदन क्षमता अधिक है, बोले आर गामा किरणों की जो क्षमता है भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसका उत्तर हो जाएगा आर गामा किरण। नेक्स्ट है, मोटर कारों में प्रदूषण जांच के समय जांच की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीसा एवं कार्बन कणों की, मोटर कारों की जब प्रदूषण जांच होती है तो उस समय जांच होती है सीसा एवं कार्बन कणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है अंटार्कटिका में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है, बोले मार्च अप्रैल माह में उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो बोले कारखानों से निकलने वाले जो धुआं होते हैं और जो भी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनसे अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण माने जाते हैं कारखाने। नेक्स्ट, तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों जल जाती है, बोले क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने वाले जो मनुष्य होते हैं उनकी हमेशा तैरने वाले जो मनुष्य होते हैं उनकी क्लोरीन के कारण त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश था, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए इन्होंने बोला कि टैक्स लगाया जाए इसके लिए, तो न्यूजीलैंड जो है प्रथम देश होगा जिसने प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश का निर्माण होता है, बोले कोयला के दहन से फ्लाई ऐश का निर्माण होता है, इसका उत्तर हो जाएगा कोयले के दहन से। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी, अम्लीय वर्षा जो होती है अम्लीय वर्षा उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है, तो बोले नॉर्वे एवं स्वीडन, इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे और स्वीडन जो देश हैं अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वर्षा से सर्वप्रथम प्रभावित जिस देश में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई उसका नाम क्या है, बोले स्वीडन, स्वीडन में सर्वाधिक सबसे पहले अम्ल वर्षा देखने को मिली। नेक्स्ट है, स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल वर्षा, स्टोन कैंसर का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन होगा, पार्थेनियम गाजर घास के पराग कण से कौन सा रोग होता है, बोले चर्म रोग एवं दमा रोग होता है पार्थेनियम गाजर घास के पराग कण से, इसका उत्तर हो जाएगा चर्म रोग एवं दमा। नेक्स्ट, लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक हैं, तो लाइकेन जो होते हैं वो होते हैं वायु प्रदूषण के जो है सूचक होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, बोले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग जो है अपंग हो गए। नेक्स्ट है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, तो बोले कैडमियम, इसका उत्तर हो जाएगा कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पार्थेनियम गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है, इसका उत्तर होगा। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, बोले 4.2 से कम होता है, अम्ल वर्षा जो होती है उसका पीएच मान होता है 4.2 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व है, भूमिगत जल के प्रमुख जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो कौन है, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड होते हैं भूमिगत जल के प्रदूषक तत्व। नेक्स्ट है, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है, तो बोले आर्सेनिक की अधिकता ब्लैक फुट नामक बीमारी का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किस विधि से किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी विधि से जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है, तो बायोगैस में जो है मीथेन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है 60%, इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया जिप्सम एवं पाइराइट्स, लवणीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है तो हर्ट्ज में। ध्वनि की जो आवृत्ति मापी जाती है वो कायम मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई है तो बोले उत्तर होगा इसका डेसीबल। डेसीबल ध्वनि तीव्रता की जो सामान्य मापन इकाई है वो डेसीबल है। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता होती है 75 डेसीबल। जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसमें 75 डेसीबल जो है मानक ध्वनि तीव्रता होती है, और आवासीय क्षेत्र में स्वीकार मानक तीव्रता होती है 55 डेसीबल। जो आवासीय क्षेत्र होती है इसमें स्वीकार होती है मानक ध्वनि तीव्रता 55 डेसीबल होती है। नेक्स्ट है, किस तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार। तो 90 डेसीबल की जो श्रवण ध्वनि तीव्रता होती है उसमें श्रवण शक्ति में क्या होने लगता है, बोले ह्रास होने लगता है 90 डेसीबल। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग कितना होता है, बोले 332 मीटर प्रति सेकंड होगा ध्वनि का वेग। फिर दो आएगा लास्ट में, तो ध्वनि का वेग कितना होता है, बोले 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, बोले 60 डेसीबल। सामान्य बातचीत में 60 डेसीबल होती है। नेक्स्ट, फुसफुसाहट में ध्वनि तीव्रता होती है, बोले 30 डेसीबल होती है। फुसफुसाहट में 30 डेसीबल की ध्वनि तीव्रता होती है। और रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, बोले 180 डेसीबल होती है। और रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, 180 डेसीबल तीव्रता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, जेट विमानों की गति को मापा जाता है, बोले मैक इकाई में। जो जेट विमान होते हैं उनकी गति को मापा जाता है, मैक इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का उत्तर कारण होगा ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, सफोकेशन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। सफोकेशन से जो है तात्पर्य है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैस मुख्य होती है, बोले ग्रीन हाउस गैस। आप जानते होंगे जलवायु परिवर्तन में ये ग्रीन हाउस जो गैस होती है ये मुख्य होती है, मुख्य भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ओजोन क्षयकारी गैस है, तो इसका उत्तर CFC, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस होती है ओजोन क्षयकारी गैस मानी जाती है CFC। आप देखते होंगे जो दाढ़ी दाढ़ी बनाने वाले ट्यूब होते हैं उनसे ओजोन परत जो CFC गैस होती है वो निकलती है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लेशियर पिघलने लगेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, और भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन होगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। बोले बायोटेक्नोलॉजी पार्क मुद्दे स्थापित करना है, बोले लाखों रुपया लगेंगे इसमें, तो लखनऊ में होगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ऐसे याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, बोले हाइड्रोजन। बोले भविष्य का ईंधन उसे कहा जाएगा जिसमें हाई पावर होगा, तो हाइड्रोजन इसका उत्तर हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाएगा, बोले हाइड्रोजन को कहा जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, तो ओजोन परत को जो है रक्षा कवच कहा जाता है। बोले ये रक्षा जोन है, तो रक्षा जोन कौन है, बोले ओजोन है रक्षा जोन, इस प्रकार से देख लेंगे। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो बोले विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट, CNG का फुल फॉर्म क्या है, तो बोले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलोर में देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय वो है देहरादून में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन पर्यावरण के पढ़े, और आपने देखा होगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 100 क्वेश्चनों में से जरूर बनते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, और हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया, बाल विकास के भी बहुत सारे हैं, वहीं GK को भी बहुत अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया है। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।